तो मेरा पहला सवाल यह होगा कि रक्षा मंत्री के नाते बड़ा जरूरी है कि आपका निशाना अचूक बैठना चाहिए तो मैं चार नंबर आपके सामने रखता हूं उसमें से एक चुनिएगा आप दो सौ तिहत्तर तीन सौ चार तीन सौ सत्तर या चार सौ एनडीए चार सौ पार एनडीए चार सौ पार में थोड़ा यह पता करना है हमको बीजेपी तीन सौ सत्तर पार बीजेपी तीन सौ सत्तर पार दो और तीन में फर्क क्या है तीन सौ सत्तर को तो अच्छी तरह समझते होंगे <laughs> आप। पार कर गए एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट हम लोग बहुत हिसाब लगाते हैं चुनाव के पहले और गलत भी होते हैं अपने अनुमानों को लेकर के कि बीजेपी हमेशा uh, हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन uh, को एक्सीड करती है तो इसका गणित हम समझना चाहते हैं क्योंकि एक नैरेटिव यह है कि बंगाल महाराष्ट्र दक्षिण और बिहार यह कठिन डग, डगर है आप लोगों के लिए ये बिल्कुल कठिन नहीं है आपने देखा होगा कि 2014 के पहले हमारी स्थिति वेस्ट बंगाल में कैसी रहती थी एक भी सीट हमको नहीं मिलती थी पांच वर्ष के बाद 2019 में जब चुनाव हुआ हमको एटीन टू नाइनटीन सीटों पर भी यह हासिल हुई पार्लियामेंट्री काउंस्ट में और इस बार देखिएगा इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इन बिटवीन 25 टू 30 होगी और सभी जगह इवन सदर्न स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को लेकर एक लोगों का विश्वास एक भरोसा बढ़ा है और आप देखते होंगे कि किस तरीके से कॉमन इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर की बात छोड़िए हम लोग जाते हैं तो रिस्पॉन्स जो देखते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि हम जो टारगेट हम लोगों ने तय किया है उस टारगेट को अचीव करना ये हमारे लिए कठिन नहीं है बिल्कुल आपने लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका के बारे में और जो कि एक निराशाजनक सी भूमिका है ऐसा बहुत लोग मानते हैं आपने जिक्र किया उसका लेकिन मैं आप पर ये इल्जाम लगा सकता हूँ कि आपकी पार्टी तो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है विपक्षी नेताओं की विपक्षी नेताओं का इम्पोर्ट बीजेपी बहुत ज़्यादा कर रही है नहीं नहीं विपक्षी नेताओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़ना चाहिए और उनको लगता है कि उनकी पार्टी इस समय देश को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है और अकेले यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है एनडीए ही देश को आगे ले जा सकती है और अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही यह देश आगे जा सकता है इसलिए वो स्वाभाविक रूप से चल कर आ रहे हैं ऐसे लोगों का स्वागत है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जानना चाहूंगा आपसे